हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हमारे किचन में एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन रही है जो फाइबर, प्रोटीन और मिनरल से रिच है। आज हम बना रहे हैं ग्रेनोला बार्स, जो एक इंस्टेंट एनर्जी देती है खाने से। आपको जब भी भूख लगे आप एक ग्रेनोला बार खा सकते हैं। जंक फूड खाने से अच्छा है हम एक एनर्जी बार खाएं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी देखते हैं। और हाँ, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैंने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रखा है और उसमें डाला है 1/2 टीस्पून घी। अब घी में हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप बादाम चॉप किया हुआ, 1/2 कप काजू, इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और 1/2 कप पम्पकिन सीड्स। इन सबको हम हल्का रोस्ट करेंगे जब तक एक अरोमा ना आने लग जाए। आप इसे लगातार स्टर करते रहें, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। रोस्ट करने से ग्रेनोला बार में इसका क्रिस्पीनेस बहुत अच्छा आता है। हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, हम इन्हें अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं करूंगी 1 कप ओट्स को रोस्ट। ये मैंने रेगुलर ओट्स लिए हैं, इसको भी हल्का ब्राउन होने तक हम रोस्ट करेंगे। ओट्स भी रोस्ट हो चुके हैं। ओट्स में बहुत ही फाइबर होता है और ये बहुत फुलफिलिंग होता है। ओट्स खाने से हमारा पेट हमेशा भरा भरा रहेगा, हमें जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच किशमिश। आप किशमिश की जगह ब्लूबेरीज या रसबेरीज भी ले सकते हैं। ब्लैक रेजिन्स भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लेक्स, इसको हाथ से हल्का सा क्रश कर लिया है। कॉर्नफ्लेक्स से ग्रेनोला बार में एक क्रंचीनेस आएगा। और मैंने यहाँ पे डाला 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि जब हम इसमें जैगरी और हनी डालेंगे तो सॉल्ट उसका स्वीटनेस बैलेंस करेगा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप जैगरी। हम यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैगरी एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है और इसमें बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं। वाइट शुगर की जगह जैगरी यूज़ करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। ये देखिए, जैगरी एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें हमारा मिक्सर मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमको इसको पकाना नहीं है, हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच हनी। हनी के फ़ायदे तो आप सब लोग जानते हैं कि हनी कितना हेल्दी होता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हनी हमारे ग्रेनोला बार को एक बाइंडिंग भी देगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये देखिए, हमारा मिक्सर एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले लिया है, उसको हल्का सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हमारा मिक्सर डालेंगे हम। आप इसे स्टोर करने के लिए एयरटाइट कंटेनर में 15 डेज के लिए रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसको अच्छे से हाथ से दबा के सेट करेंगे ताकि बार्स एकदम अच्छे से निकले जब हम काटें तब। एक चम्मच लेंगे, उसके पीछे हल्का सा घी लगाएंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे और ये सेट हो जाएगी। इसे 15-20 मिनट आप ऐसे ही रहने दें, अगर चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। 15-20 मिनट में ये सेट हो जाता है। ये देखिए, हमारे ग्रेनोला बार्स एकदम सेट हो चुके हैं। अब हम इन्हें काट लेते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। जब बच्चे टीवी देखते रहते हैं, ऐसे ही जंक फूड खाते रहते हैं, तो आप उन्हें एक ग्रेनोला बार दे दें। ये खाने में भी टेस्टी लगेंगे और उन्हें एनर्जी भी मिलेगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।